सरपंच तो केवल एक ही पंचायत से जीतता है, हमारे पंचायत समिति पांच गांव से जीत के आते, पांच गांव से हम लोग जीत के आते तो भी हमें कोई अधिकार नहीं दिया। हाँ बोलो। International brand and smart watches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer. आज पंचायत समिति, संघर्ष समिति, पंचायत समिति सदस्य अजमेर ग्रामीण के सभी सदस्यों ने यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने कुछ मांगे रखी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत समिति सदस्य के जो सदस्य हैं वो भी जनता से वोट लेकर चुने जाते हैं, वो भी जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन जब वो वोट लेने जाते हैं हम लोग, तो हम जनता से कई वादे करके आते हैं कि हम भी उनके ये काम कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन जीतने के बाद हमें केवल यही बना दिया जाता है कि हमारा जो काम है केवल प्रधान बनाने तक ही सीमित कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है इस पद का। तो हम ये चाहते हैं कि इस पद के जो सदस्य हैं उनको भी जो है वित्तीय अधिकार दिए जाए, जिससे कि हम भी जनता की जो मांगे पूरी कर सकें, उनके कार्य करवा सकें, क्योंकि हमने भी जनता से वोट लिए हैं। और उसके बाद हम विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में हैं आगे, और हम 11 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री जी के यहाँ विधानसभा घेराव का हमने कार्यक्रम रखा है। उसके बाद भी हम आगे से आगे हमारी मांगे पूरी नहीं होती थी, हम बहुत ही अपना जो सदस्यों का जो जन आक्रोश है वो व्यक्त करेंगे। मेरा नाम अरुणा टाक, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नंबर 14, अजमेर ग्रामीण। पांच गांव से हम लोग जीत के आते तो भी हमें कोई अधिकार नहीं दिया। हाँ बोलो। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम दिलादिस महोदय के द्वारा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि पंचायत समिति के सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिए जाएं।